नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 खबर 10 शहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। 36 क्विंटल मावा नष्ट किया गया है। खाद्य विभाग ने यह नष्ट कराया है मावा। बता दें, जांच में अमानक मिला था मावा। एक हफ्ते पहले खाद्य विभाग ने जब्त किया था, ग्वालियर से भोपाल ये मावा ले जाया जा रहा था। तो मिलावट खोरों का खेल जो है लगातार जारी है, पर उस पर कार्रवाइयां भी लगातार खाद्य विभाग कर रहा है। इसी बीच बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। 36 क्विंटल मावा नष्ट किया था खाद्य विभाग ने, नष्ट किया है। बता दें, जांच में अमानक पाया गया। एक हफ्ते पहले खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, छापा मारा गया था, सैंपल लिए गए थे और इसमें यह मावा अमानक पाया गया, जिसके बाद इसे नष्ट कर दिया गया है। भोपाल से, ग्वालियर से भोपाल ये मावा लाया गया था और इसी बीच बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया खाद्य विभाग की टीम के द्वारा। और अब जब जांच के लिए सैंपल लिए गए तो जांच में अमानक पाया गया, गड़बड़ी पाई गई और अब जो है कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मिलावटखोरों का खेल लगातार जारी रहता है और जैसे जैसे शादी के सीजन आने वाले हों, त्यौहार आने वाले हों, सबसे ज्यादा खपत होती है सब चीजों की और सक्रियता मिलावटखोरों की बढ़ जाती है। अब ये बड़ी कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया था, इसमें जो मावा है वो अमानक पाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि समय रहते इस मावे को पकड़ लिया गया था और यदि ये मावा जो टीम है उसकी पकड़ से अगर दूर रहता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 36 क्विंटल मावा यानी कई हजार लोगों के कि जो पेट में जो है वो जहरीला भोजन जाता है, यानी जो मिठाई है जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं अमानक स्तर की होती, क्योंकि जांच में यही खुलासा हुआ है। एक सप्ताह पहले जो रेलवे स्टेशन के पास से लगभग 36 क्विंटल मावा जो है वो खाद्य विभाग की टीम ने बरामद किया था और उसके बाद इसको सैंपल के लिए लैब भेजा गया था। बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मावा के लिए कोई भी दावेदारी करने सामने नहीं आया कि आखिर ये किसका मावा है, क्योंकि डलियों पर भी जो बॉक्स थे उस पर भी केवल कोड वर्ड लिखा था, एक नंबर लिखे गए थे लेकिन किसी का नाम नहीं था। तो ऐसे में अब विभाग के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि आखिर ये मावा किसने भेजा था और किसको भेजा था, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति इस मावे पर दावा करने नहीं पहुंचा है, अमानक कुछ पाया गया था और यही कारण है कि इस मावे को आज जो है वो नष्ट कर दिया गया है। ये मान सकते हैं कि मावा तो नष्ट कर दिया गया है, पर कार्रवाई की तैयारी में भी खाद्य विभाग होगा, बड़ा जुर्माना भी लग सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, पहली प्राथमिकता तो खाद्य विभाग के सामने ये है कि जो जिन लोगों ने ये मावा भेजा उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जिन लोगों के घर या दुकान पर जो मावा आना था वो आइडेंटिफाई हो, क्योंकि जब तक वो आरोपी जो है जो सेहत के सौदागर है, जो सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, मान सकते हैं कि कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है चिन्हित करने के बाद प्रशासन। बहुत शुक्रिया फिलहाल। भिंड में कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग के दफ्तर को तहसीलदार ने सील कर दिया है। हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई की और 26 जुलाई को दफ्तर की चल संपत्ति की नीलामी की सूचना दी। दरअसल लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने कोर्ट में ग्रेच्युटी और वेतन के भुगतान न होने पर याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, कर्मचारियों के भुगतान के आदेश दिए, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये क्या है मामला, बताइए। ऋतु, मैं आपको बताऊं कि ये जो लोक निर्माण विभाग है, कार्यपालन यंत्री जो संभाग कार्यालय है, उसमें आज फिर से सील्ड किया गया है और ये पहली कार्रवाई नहीं है ऋतु। इससे पहले भी बीते एक माह पहले जब हाईकोर्ट का आदेश आया था उस समय भी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव वहां पहुंचे थे और कार्यालय का निरीक्षण किया था, जिसके बाद कर्मचारियों को जो इंजीनियर है उनसे बात की गई थी और उसके बाद दफ्तर को सील्ड कर दिया गया था, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर उस दफ्तर को खोल दिया गया था। लेकिन अब की बार फिर से तहसीलदार जो है मोहन लाल शर्मा वो मौके पर पहुंचे थे जहां पर आज कार्यालय दफ्तर जो है उसको सील्ड कर दिया गया है। कर्मचारियों की जो ग्रेजुटी है एवं जो वेतन का भुगतान नहीं करने के बाद लगातार हाईकोर्ट इस पर एक्शन ले रहा है और आज फिर से दफ्तर को सील्ड कर दिया गया और 26 तारीख को पीडब्ल्यूडी जो कॉलोनी है वहां पर जो वाहन है, जो भी विभाग के जो वाहन है और जो भी सामग्री है उसको नीलामी की जाएगी और उससे जो राशि प्राप्त होगी और उससे जो ग्रेजुटी है और कर्मचारियों के जो वेतन है उसको देने का काम किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए।
एमपी में अवैध कॉलोनी पर एक्शन होगा, कल कार्रवाई को लेकर रूपरेखा भी बनेगी। मंत्रालय में महापौर और आयुक्त की बैठक होगी, सभी 16 नगर निगमों के महापौर इसमें शामिल होंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में यह बैठक होने जा रही है। निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। तो अवैध कॉलोनी पर एक्शन, और साथ ही साथ आपको बताएं कल कार्रवाई को लेकर रूपरेखा बनेगी। मंत्रालय में महापौर और आयुक्त की बैठक होने जा रही है, सभी 16 नगर निगमों के महापौर इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में ये बैठक होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल बैठक होने जा रही है 16 नगर निगमों की, कितनी खास होगी, किस तरह की रूपरेखा तैयार, किन किन मुद्दों पर चर्चा, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में ये बैठक होनी है। जी ऋतु, देखिए बिल्कुल निश्चित ही मध्य प्रदेश में लगातार अवैध कॉलोनियों के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार बेहद सख्त मूड में है और अब एक्शन मोड दिखाई देगा और सरकार जितने भी अवैध कॉलोनाइजर हैं, अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, उनके खिलाफ बड़ी एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। कल 16 जो बड़ी नगर निगम है उनके महापौर और आयुक्त को बुलाया गया है और कल जो बैठक होगी वो नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लेंगे और कल रोडमैप बनेगा कि किस तरीके से इस तरह अवैध कॉलोनी काटने वालों को कार्रवाई करना, उनके खिलाफ उनको सजा देना है। इस सारे मुद्दों को लेकर कल चर्चा होगी, नगरीय निकायों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इसके अलावा जिस तरह से जो कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई के साथ ही जो गाइडलाइन बनाई गई है कि आगे कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं कटे, उसको लेकर भी एक प्लानिंग बनाई जाएगी और सारे नियम कानून को लेकर कल बड़े फैसले होंगे। इसके साथ ही आत्मनिर्भर बनाना, कहीं ना कहीं नगरीय निकाय आर्थिक संसाधनों में कमजोर हैं तो उनको किस तरह से मजबूत बनाना, इसको लेकर भी कल महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो कल सभी महापौर आयुक्त बैठकर एक बड़ा रोड मैप बनाएंगे और उसके बाद निश्चित ही प्रदेश में बड़ी कार्रवाई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ देखने को मिलेगी। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और नक्सली घटना हुई, मुठभेड़ हुई, उसमें 4 जवान घायल हो गए, जिनसे सीएम साय मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, सीएम और डेप्यूटी सीएम पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। घायल जवान यहां पर एडमिट है, इन्हें रायपुर लाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, जिसके बाद इनका इलाज जारी है। अब उनसे मुलाकात सीएम साय और डेप्यूटी सीएम कर रहे हैं। और थोड़ा सा गले में मन के बाद तस्वीरें घायल जवानों से मुलाकात सीएम साय की, और डेप्यूटी सीएम भी पहुंचे हैं, और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा इलाज इन जवानों को मिल सके जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इलाज जारी है रायपुर, बता दें आपको, एयरलिफ्ट किया गया। मुठभेड़ हुई थी कल और जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, 4 जवान घायल हो गए थे, उन चारों का इलाज जारी है रायपुर, एयरलिफ्ट उन्हें किया गया। अब जब वो रायपुर आ चुके हैं तो उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए पहुंचे हैं सीएम साय मुलाकात करने के लिए। रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर डेप्यूटी सीएम और सीएम मौजूद हैं और मुलाकात कर रहे हैं।